नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। मैं हूं आपके साथ अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां रायपुर में यूपी के मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया गया है। टिकरा पारा के संजय नगर से गिरफ्तारी हुई है। आईटी मार्केटिंग में करता है आरोपी का। रायपुर पुलिस की मदद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। शनिवार की रात को इसने धमकी दी थी। आरोपी कमलेंद्र सिंह पकड़ा गया है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, और क्या जानकारी मिल पाई है आरोपी के बारे में और कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई? जी देखिए, ये टिकरा पारा के संजय नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आईटी डिपार्टमेंट में ये काम करता है और इस एक जो अज्ञात शख्स ने फोन करके बम से उड़ाने की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी। उसके बाद यूपी की पुलिस हरकत में आई और फोन नंबर को ट्रेस करके उसे सर्वलान में लिया गया था। उसके बाद टीम ने उसने डिटेक्ट करके नंबर को यहां पर पहुंची और टिकरा पारा पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस तरह से नंबर के आधार पर जांच करते हुए आरोपी तक जो पुलिस है वो पहुंची थी और उसकी गिरफ्तारी है की गई है। अब फिलहाल उसकी पूछताछ की जा रही है कि युगल जरा ये बताए कि इसने धमकी दी क्यों थी। ये देखिए, अभी यूपी की पुलिस है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो टिकरा पारा की रायपुर की पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, कहीं और कोई साजिश तो नहीं है, आखिर क्यों की है। अभी फिलहाल इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि इसकी धमकी देने के पीछे का उद्देश्य क्या था और पूरे मामले की जांच है अभी दोनों पुलिस कर रही है और उसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के पुलिस है वो जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि शख्स की गिरफ्तारी की गई है, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये धमकी दिया हुआ था। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात छतरपुर की करते हैं, जहां बस स्टैंड पर फायरिंग की गई। फायरिंग और चाकूबाजी सनसनी मच गई। 8 से 10 लोगों ने यहां पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छतरपुर के बस स्टैंड पर, जहां फायरिंग से सनसनी मच गई। फायरिंग के साथ साथ यहाँ पर चाकूबाजी भी की गई। करीब 8 से 10 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया है। बस स्टैंड पर फायरिंग क्यों की गई, क्या वजह रही, अभी पुलिस तमाम चीजों की जानकारी हासिल कर रही है। कौन ये लोग थे, 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने यहां पर फायरिंग की है, चाकूबाजी की है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक, क्या कुछ साफ हो पाया है? ऐसा है, जो पूरा घटनाक्रम है, छतरपुर का जो सिटी कोतवाली थाना है उसके अंतर्गत बस स्टैंड आती है। बस स्टैंड पे ही ये हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाई गई है और इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग जो आरोपी हैं वो शामिल थे और जो घटना की वजह है बस लगाने को लेकर इतना विवाद बढ़ा कि पहले गाली गलौच हुआ, उसके बाद वहां पर दो राउंड हवाई फायर किए गए हैं और चाकूबाजी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस को जैसे ही मामले की खबर लगी तत्काल सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर पहुंची और एक युवक जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ है उसको आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में दृष्टि बाधित लोगों को न्यायिक सेवा से बाहर रखने पर स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष कोर्ट ने मध्य प्रदेश भर्ती नियमों में किए संशोधन पर आपत्ति जताने वाले एक पत्र याचिका पर संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका में बदल दिया। संशोधन में दृष्टि बाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में नियुक्ति से बाहर रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है। पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों की जांच करने का फैसला किया है। अदालत ने अपनी सहायता के लिए वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया। उमा भारती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। वहीं भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने पर उमा भारती का दर्द भी छलका है। उमा भारती ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने हम लोगों के लिए बहुत दुख सहे हैं।
हमारे संगठन के सभी संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अयोध्या में कह चुकी हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2 साल। हमारे संगठन के सभी संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अयोध्या में कह चुकी हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2 साल। हम लोग आज बाहर हैं और जेलों में हम उस समय पर नहीं गए जो मनमोहन सिंह की सरकार की जो मतलब षड्यंत्र था एक बहुत बड़ा, उसमें जिस प्रकार से साध्वी को मारा पीटा गया, कर्नल पुरोहित को मेरे ख्याल से नाम उनका नाम पुरोहित ही था, कर्नल पुरोहित को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, साध्वी को टॉर्चर किया गया। एमपी में तत्कालीन शिवराज सरकार की सभी योजनाएं चलती रहेंगी, इस बात की घोषणा सिंगरौली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। साथ ही सीएम ने सभी से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में वोट देने की अपील की और कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की अपील की है। विकास के मामले में किसी के भी जीवन में एक नहीं अनेकानेक जितनी योजनाएं पुरानी सरकार की, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान की सारी योजनाएं बराबर चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। आपने दिल खोल के दिया विधानसभा में, आप मोदी जी के साथ चलो, सारे के सारे काम किए जाएंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी अपनी और संकल्प करो, हम और आप मिलकर के आने वाले समय में सारे के सारे भाई बहन मिलकर के एक एक वोट, धारा 370 रही कश्मीर में, एक एक बूथ पर हम धारा 370 की तरह नए वोट लेकर के प्रत्येक बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे। बोलो तैयार हो? एमपी में राम वन गमन पथ को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, साथ ही कांग्रेस पर राम को नहीं मानने के आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान न हो लेकिन एमपी में सियासत चरम पर है। राम वन गमन पथ के भूमि पूजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी एक इवेंट कंपनी की तरह काम कर रही है। कांग्रेस ने राम वन गमन पथ का पहले ही भूमि पूजन किए जाने की बात कही, साथ ही बीजेपी राम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप लगाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने भी अब मान लिया है कि ये सरकार इवेंट वाली और विज्ञापन वाली सरकार है। लगातार बार बार मतलब इसको एक तरीके से ढोंग कहा जाता है कि जिस चीज़ का उद्घाटन एक बार हो चुका है, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उसको बार बार दिखाना तो ये दिखाता है कि आप जनता के मुद्दों से भाग रहे हो, किसानों की एमएसपी देने से भाग रहे हो, युवाओं को रोजगार देने से भाग रहे हो, इसलिए बार बार भगवान श्री राम का इस्तेमाल कर रहे हो। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, साथ ही कांग्रेस पर राम को न मानने के आरोप भी जड़ दिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर मध्य प्रदेश में राम पथ गमन तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है वो अपने आप में मध्य प्रदेश की जनता के सामने है और मैं नहीं समझता कांग्रेस पार्टी, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, उनको इस तरह के विषयों में टिप्पणी करने की जरूरत है या उनकी कोई नैतिक हैसियत इस मामले में है। क्या है राम वन गमन पथ? राम वन गमन पथ अयोध्या से शुरू एमपी में चित्रकूट से अमरकंटक तक पथ, 370 किलोमीटर के विकास की योजना। वनवास के दौरान भगवान ने गुजारा समय, 11 साल 11 महीने और 11 दिन भगवान ने गुजारे थे समय। प्रदेश की सरकार ने 8 जिलों में राम वन गमन पथ के विकास की बात कही और इसके भूमि पूजन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब खबर ग्वालियर से, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 10 मार्च को ग्वालियर एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम पर भी मंथन हुआ। बता दें कि 10 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली ग्वालियर एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। सिंधिया की इस बैठक में कृषि मंत्री एंदल सिंह कंशाना, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। 16 विमानतल कुल मिलाकर 16 से 18 हजार करोड़ रुपए की शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है।
ग्वालियर की विशेषता है कि ये विमानतल सबसे कम समय में नागर विमानन के इतिहास में इतना बड़ा विमानतल 75 वर्षों में सबसे कम समय में बन पाया है। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ग्वालियर में कृषि मंत्री इंदल सिंह की जुबान फिसल गई। बीजेपी सरकार की जगह कंसाना ने कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ है कह दिया। गलती का एहसास होने पर कृषि मंत्री ने अपनी भूल फौरन ही सुधारी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिर्फ चुनाव के टाइम पे वो मुद्दे उठाती है और चुनाव के बाद भूमिगत हो जाती है कांग्रेस। कांग्रेस किसानों के साथ, कांग्रेस किसानों के साथ, कांग्रेस किसानों के साथ, कांग्रेस किसानों के साथ। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बाकी 5 सीटों पर भी, मध्य प्रदेश की बाकी 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वीडी शर्मा ने दावा किया है कि इस बार छिंदवाड़ा से बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। मोदी जी का मंत्र पूरी तरह से सफल होगा। एमपी में 12 से 15 सीट जीतने के कमलनाथ के दावे पर भी वीडी शर्मा ने तंज कसा। छिंदवाड़ा को लेकर के एक ही प्लान है और वो प्लान है इस बार 29 सीटों में ऐतिहासिक बहुमत से कोई सीट जीतेंगे तो छिंदवाड़ा जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है। 370 वोट प्रधानमंत्री ने कहा है वो जड़ी बूटी छिंदवाड़ा में ज्यादा काम करेगी, तो इसलिए हम वहीं पर मैदान में अधिकांश बूथों पर हम चुनाव जीते, हर बूथ पर हमारा संकल्प। मैं तो यही चीज कह सकती हूँ कि इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या? और कमलनाथ जी को अभी इस उम्र में मजाक सूझ रहा है? कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं तो छिंदवाड़ा की जनता जानती है। उन्हें सहृदय ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकारा नहीं, आपको यहां से रवाना किया है मध्य प्रदेश। और उन्होंने कहा भी कि मैं चला जाता हूं हाथ जोड़ करके। मैं अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी इंदौर पहुंचे जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जायजा लिया और पिंक बस सर्विस की महिला ड्राइवर से बात की। इस मौके पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद रहे। अमेरिकी राजदूत के दौरे को लेकर इंदौर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। और अब बात बैतूल की करेंगे जहां महिला दिवस से एक दिन पहले किसान परिवार को बड़ी खुशखबरी मिली है। असम राइफल्स में तैनात किसान की बेटी को यूएन मिशन पर साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला है। किसान बिनवंत खाकरे की बड़ी बेटी धर्मवती चौहान का यूएन मिशन के लिए सिलेक्शन हुआ है। धर्मवती चौहान यूएन मिशन से मिशन में मध्य प्रदेश से सिलेक्ट हुई एकमात्र महिला है। खबर छतरपुर से जहां कैलाश विजयवर्गीय समेत एमपी सरकार के कई मंत्री बागेश्वर धाम पहुंचे और यहां पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच पर भजन भी गाए। खबर जबलपुर से जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नर्सिंग कॉलेजेस में परीक्षा कराने की मांग की। बता दें कि करीब 3 सालों से एमपी की नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा नहीं हुई है, जिससे हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है।